वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बड़े होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ही ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो गेट साइड फ्लैग फैक्ट की वीडियो है। तो यार इनकी वीडियो होती ही ज्यादा बहुत ऑसम किस्म की है। तो यार वीडियो का जो टाइटल है वो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान जियोग्राफी। आज हम देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान की जियोग्राफी, और हिंदी में आगे कुछ लिखा है वो आप लोगों ने जाहिर बात है पढ़ लिया होगा, और हम वीडियो में ही सुनेंगे वो क्या है। हाँ भाई, सच में। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव, और हम इतने भोले भाले हैं कि अंग्रेजों ने हम भारत के लोगों को डिवाइड एंड रूल का पाठ पढ़ाया, और हमने इसे ही फॉलो करके इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कर लिया। पर सोचो, कभी अगर बंटवारा हुआ ही नहीं पढ़ाया था ना, तो क्या स्थिति होती। इंडिया पाकिस्तान आज ही एक भारत का हिस्सा होते तो भारत की मिलिट्री आज दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री होने के साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री भी होती। यही नहीं, आने वाले 74th इंडिपेंडेंस डे तक पाकिस्तान की चार जंगों में, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे में, और आज तक भारत पर हुए टेररिस्ट अटैक में मारे गए लाखों शहीदों की जाने भी नहीं जाती। और इसी के साथ इंडिया पाकिस्तान की जीडीपी मिलाकर हमारे देश की जीडीपी यूके की जीडीपी को पीछे छोड़कर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी होती। पर ये सब ज्यादा भी होता अगर इंडिया आज भी 1947 पहले वाला भारत होता। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बढ़ चुके हैं, और आज अगर ये एक होते तो चाइना से आगे निकलकर एशिया के डेवलप्ड कंट्री नहीं बल्कि एक सुपर पावर कंट्री बन चुके होते। पर अफसोस, फाइट होती नहीं हुआ। जो बंटवारा हुआ है ना, उससे इन दोनों ही कंट्रीज का क्या हाश्र और हाल हुआ है, क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है, आज हम वही चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है इंडिया पाकिस्तान ज्योग्राफी। बंटवारे के बीच तो अंग्रेजों ने भारत में आते ही बो दिए थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर टू में हार गए तब उनके पास इंडिया को गुलाम बनाए रखने के लिए पैसे नहीं बचे, और इसीलिए उन्होंने भारत को लूट लेने के बाद फिर अपने देश वापस जाने की तैयारी कर ली। लेकिन जाते जाते भी अंग्रेजों ने भारत की बर्बादी के लिए भारत को आजादी के साथ इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे का तोहफा दिया, और इसी बंटवारे के लिए स्पेशली इंग्लैंड से एक वकील को बुलाया गया जिसका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। और जो पहली बार बस इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाइन खींचने के लिए आया था, मतलब भाई पहले कभी इंडिया नहीं आए थे, बस पहली बार आए लाइन खींचने। अब सर सिरिल ने कैसे ये लाइन खींची, इस पर पूरा वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी है, जिसे आप इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हो। मगर शॉर्ट में बताऊं तो सर सिरिल ने रिलीजियन के बेसिस पर बंटवारा कर दिया पर इस लाइन को खींचते वक्त उन्होंने बॉर्डर्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, जिस वजह से आज ये दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान के जियोग्राफिक बॉर्डर्स की हालत काफी खराब है, क्योंकि पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स दो नहीं बल्कि चार देशों के साथ शेयर करता है, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना। और उसमें से भी इंडिया और अफगानिस्तान ऐसे दो देश हैं जिनकी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं बनती। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है जिसे ब्रिटिशर्स ने 1893 में उस वक्त के भारत और अफगानिस्तान मतलब इस बॉर्डर की वजह से अफगान का पश्तूनिस्तान दो हिस्सों में बढ़ गया, जिसका आधा हिस्सा आज पाकिस्तान में है और वही आधा अफगानिस्तान में है। और पश्तूंस वही लोग हैं जो आधे से ज्यादा अफगानिस्तान को रूल करते हैं, और इसीलिए आज तक अफगानिस्तान 1893 में बनाए हुए इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता। उनके हिसाब से पश्तूनिस्तान पूरा का पूरा आज भी अफगानिस्तान में ही आता है। और पाकिस्तान की ऐसी ही दुश्मनी ईरान से भी है, बस इस केस में पश्तूनिस्तान की जगह बलोचिस्तान है, पर बलोचिस ईरान में कोई मेजोरिटी एथनिक ग्रुप नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान और ईरान अंडरस्टैंडिंग से इस रीजन को शेयर करते। पर ये कभी भी भाईचारे में नहीं बदल सकता, क्योंकि ईरान को शिया गवर्नमेंट और पाकिस्तान को सुन्नी गवर्नमेंट चलाती है, और इसीलिए उनके आइडियल्स और वैल्यूज में बहुत फर्क आ जाता है और आते रहेगा। लेकिन पता है पाकिस्तान के चार बॉर्डर शेयरिंग रिकॉर्ड को इंडिया ने छह देशों के साथ बॉर्डर शेयरिंग करके तोड़ दिया है, जिनमें एक तो ऑफ कोर्स खुद ही पाकिस्तान है और बाकी म्यांमार, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर इंडिया अपने बाकी के चार पड़ोसी कंट्रीज के साथ अलायंस में है, और चाइना और इंडिया के बीच के गंभीर माहौल के कारण ये LAC लाइन है। पर अक्साई चीन के यहाँ पर आने वाली ये LAC लाइन कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, जिस वजह
से आज भी ये दोनों देश अक्साई चीन को अपना हिस्सा क्लेम करते हैं। चाइना कहता है कि अक्साई चीन शिनजियांग रीजन में आता है और इंडिया के हिसाब से वो लद्दाख में आता है। इतना ही नहीं तो आपने ये भी देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया और चाइना दोनों के मैप्स में उनकी कंट्री का हिस्सा बताया गया है और इसी वजह से इंडिया और चाइना के बीच 1962 में जंग भी हो चुकी है जिसमें कई लोग शहीद तो हो गए थे पर आज तक दोनों देशों के बीच इसका फैसला नहीं हुआ और आज भी टेंशन का माहौल बना हुआ है। यानी सारे कारस्तानी गौरव की है। पर सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट्स ही इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो बंटवारे में पाकिस्तान और इंडिया के हिस्से में आई है। बंटवारे के साथ पाकिस्तान को फ्री भूकंप भी मिला है। मेरा मतलब है पाकिस्तान का आधा हिस्सा बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर एक ऐसे एरिया में आता है जो अर्थक्वेक प्रोन है। यहाँ आने वाले भूकंप इतने हाई मैग्नीट्यूड उधर इतनी कश्मीर में तबाही हुई थी। आजाद कश्मीर में आए हुए सिर्फ एक भूकंप ने 86,000 लोगों की जान ले ली थी। पर इन भूकंपों के आने के पीछे का कारण क्या है? तो बेसिकली आज दुनिया में जो 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है ना वो 33 करोड़ साल पहले एक हुआ करते थे। मतलब ऐसा कुछ की जमीन का सिर्फ एक बहुत बड़ा टुकड़ा था और उसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पांजिया था। वेल एग्जाम्पल के लिए समझो कि तुमने दूध को उबाला, फिर उबालने के बाद उसके ऊपर मलाई बनी। अब अगर तुम दूध के बर्तनों को हिलाओ तो मलाई भी हिलती है और कई बार इसके टुकड़े भी हो जाते हैं। उसी तरह जब अर्थ के कोर का लावा ठंडा हुआ तो ऊपर जमी हुई मलाई यानी कि लैंड के टुकड़े भी हुए और इन्हीं टुकड़ों बताते हैं। अब फ्रेंड्स आप सोचोगे कहां से कहां पहुंच गए, इन प्लेट्स का भूकंप से क्या संबंध है? वेल संबंध है क्योंकि फिलहाल इंडियन यूरेशियन और अरेबियन प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं और इनके टक्कर के झटकों की वजह से पाकिस्तान के रीजन्स में काफी हाई मैग्नीट्यूड वाले भूकंप आते हैं। इतना ही नहीं इन्हें तो विरासत में बस 1146 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन मिली है और उसमें भी कराची के बस एक अकेले पोर्ट से पाकिस्तान का पूरा 60% ट्रेड और सप्लाईज आता जाता है। मतलब अगर कल को किसी देश ने इस पोर्ट को कैप्चर कर लिया तो पूरा का पूरा पाकिस्तान लैंडलॉक हो जाएगा और पाकिस्तान के आधे से ज्यादा ट्रेड और सप्लाईज ठप। जाहिर बात है मेन है, अभी ये गवादर भी बन गई है। गवादर दुखी हो तो उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि बंटवारे के बाद इंडिया के हिस्सों में भी काफी प्रॉब्लम्स आए जैसे कि फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और ड्राउट्स। इंडिया की आधी बॉर्डर कोस्टलाइन जो कि 7516 किलोमीटर लंबी है जिस वजह से यहाँ के कोस्टल रीजन को ज्यादा बारिश और इसके पीछे का कारण है अरेबियन सी के पानी में होने वाला बदलाव। क्योंकि अरेबियन सी का पानी इतना गर्म हो चुका है कि उस तरफ से आने वाली बारिश के बादल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं और इसीलिए कहीं एक तरफ कोस्टल रीजन्स में ज्यादा बारिश गिरने के कारण फसल बहुत ज्यादा है। अभी भी कहीं सैलाब आया हुआ है इंडिया में, पाकिस्तान में भी आया हुआ है, पाकिस्तान में भी आया है, उधर इस्लामाबाद में भी आ गया था, बच गया, ड्राउट सूखे की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। इतना ही नहीं तो इंडियन प्लेट हर साल 50 mm जितना यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है जिसकी मूवमेंट इतनी स्लो है कि हमें ये महसूस नहीं होता पर इन प्लेट्स के टकराने के कारण पाकिस्तान की तरह हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में भी अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से हर साल इंडिया और थोड़ा छोटा भी होते जा रहा है। लेकिन इस ज्योग्राफिकल बंटवारे ने कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स ही नहीं दिए बल्कि कुछ बेनिफिट्स भी दिए हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन EIA के अनुसार पाकिस्तान के पास जमीन में पेट्रोलियम ऑयल के लगभग 8 बिलियन बैरल्स है और आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर के रिजर्व के साथ साथ जेम्स, मार्बल, स्टाइल्स जैसे प्रीशियस स्टोन्स के भी रिजर्व है। इतना ही नहीं पाकिस्तान की 26% जमीन एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है और वहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वीट और कॉटन का होता है और इसीलिए कॉटन के प्रोडक्शन में पाकिस्तान दुनिया में 5th नंबर पर आता है और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स भी है। इसके पीछे का एक और एक कारण है कि पंजाब और सिंध प्रोविंस की जो मिट्टी है ना वो काफी डीप और बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है जो कॉटन उगने के लिए एकदम परफेक्ट है और भले ही बंटवारे में पाकिस्तान को कम कोस्टलाइन मिली हो तो भी पूरे देश में इंडस रिवर फ्लो करती है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर है। सो इन अ वे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन भी है। और वहीं इंडिया के ज्योग्राफिकल बेनिफिट में सबसे ऊपर आता है माइका का नाम।
माइका, वो माँ वाला माइका नहीं, मेटल वाला माइका, क्योंकि इंडिया माइका का पूरे वर्ल्ड में टॉप प्रोड्यूसर है। माइका असल में एक ऐसा कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल पेंट से लेकर मेकअप, ऑटोमोबाइल्स, रबर प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में किया जाता है। दुनिया का 60% माइका इंडिया से ही ट्रांसपोर्ट होता है। दुनिया का। साथ ही इंडिया वर्ल्ड में कोल का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और हमारे पास टाइटेनियम और डायमंड्स और लाइमस्टोन्स के काफी सारे रिजर्व्स हैं और ऑयल रिजर्व्स में हमारे पास ऑलमोस्ट 5.4 मिलियन बैरल्स हैं। अब बात करते हैं इंडिया की लाइफलाइन हिमालयन माउंटेंस की, और इसे इंडिया का लाइफलाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देश की लगभग सभी नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये सारी हिमालय से ही शुरू होती है और इनमें से कई नदियों पर लगाए हुए डैम्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काफी मदद करते हैं। इतना ही नहीं तो हिमालय नॉर्थ से आने वाली बर्फीली हवाओं को भी रोकता है जिससे इंडिया का क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट रहता है और बारिश की वजह से एग्रीकल्चर में मदद होती है। और ये ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है बल्कि ये चाइना के खिलाफ हमारा ग्रेटेस्ट नेचुरल डिफेंस है। सबसे पहली बात तो अगर हिमालय नहीं होते तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट बंजर हो जाता। और ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पर जहां जहां से हिमालय से निकलती नदियां बहती है जैसे कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सारी जगहें भी बंजर हो जाती और यहाँ से पानी न बहने के कारण न मिट्टी उपजाऊ रहती और इस वजह से यहाँ पर फसल नहीं उगती। और इसके ना होने की वजह से चाइना जैसे देशों की मिलिट्री डायरेक्टली इंडिया में घुसकर हमला कर पाती। अभी बहुत उसके लिए प्रॉब्लम है। हिमालयन रेंज हमारा सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एडवांटेज रहा है क्योंकि एयरक्राफ्ट सब इधर से नहीं गुजर सकते। अब बात करते हैं उस टॉपिक पे जिसके लिए आप सभी रुके हो, कश्मीर। पिछले 70 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर की वजह से तीन जंग हो चुकी है और आज तक दोनों देशों के बीच का माहौल गंभीर रहा है। पर सवाल ये है कि आखिर कश्मीर इतना जरूरी क्यों है? Well, इसका जवाब है कश्मीर के ग्लेशियर्स और फ्रेश पानी। ये ग्लेशियर का पानी इंडिया और पाकिस्तान के लाखों लोगों को ताजा पानी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और आजकल के बढ़ते पॉपुलेशन और बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत के कारण इंडिया कश्मीर में और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के फैसिलिटीज लगवाना चाहता है। पर पाकिस्तान को डर है कि इरिगेशन के नाम पर कहीं इंडिया कश्मीर से पाकिस्तान आने वाले पानी को ही ना रोक दे और इसी के चलते इंडिया और पाकिस्तान ने 1960 में वर्ल्ड बैंक के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर ली जिस एग्रीमेंट के हिसाब से पाकिस्तान के कंट्रोल में इंडस, चेनाब, झेलम और इंडिया के कंट्रोल में बियाज, रावी और सतलज रिवर्स आती है। अब बंटवारों के बाद दोनों ही देशों के हिस्सों में कई अड़चनों के साथ कई फायदे भी आए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन दोनों ही देशों ने इन प्रॉब्लम्स को फेस करके इन एडवांटेजेस को किस तरह बेस्ट इस्तेमाल करें ये सीख लिया और इसी वजह से आज दुनिया भर में ये अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। जैसे कि पाकिस्तान फेमस है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और वहीं पर इंडिया फेमस है अपने माइका और कोल प्रोडक्शन के लिए। लेट्स होप कि जल्दी एक ऐसा दिन आएगा कि दोनों भी कंट्रीज आपस में मिलजुल कर रहे, क्योंकि देखा जाए तो हम जरूर आएगा। भी अलग जरूर आएगा। अगर हम हमारे सारे डिस्प्यूट्स, नफरत और पार्टीशन के ट्रॉमा को बाजू में रखें तो ये साफ साफ दिखता है कि हम में कितनी सिमिलैरिटीज है। बोली भाषा से लेकर खाने पीने तक सब कुछ सिमिलर है, यहाँ तक कि हमारे कल्चर और हमारी हिस्ट्री भी मिलती जुलती है। पर फिर भी क्यों नफरत और पॉलिटिक्स के वजह से इन सिमिलैरिटीज को हम नहीं देख पाते? अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पर्सनली दोनों कंट्रीज के बीच में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज दिखती है और कौन कौन से डिफरेंसेस दिखते हैं और क्या वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। मुझे पर्सनली एक ही डिफरेंस दिखता है और वो बहुत ज्यादा मैटर करता है और वो डिफरेंस मैं शायद बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मैं आपकी राय जानना चाहूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सिट बाय फैक्ट को भी सब्सक्राइब करो। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म यार। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लास्ट में यार गौरव भाई ने सीरियसली दिल जीत लिया जो बात की और बाकी यार अगर ये जिसे बुला दी जाए ना पॉलिटिक्स मतलब अब यही चीज है। इसी के बाद में नाम पे सब कुछ चलता असल में मेन बात यह है ना कि जितने भी आज तक जंगें भी हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, हमारी ये आदत रहती है ना कि हम बार बार उस चीज को दोहराते हैं। दोहराते हैं बस उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं, पकड़ कर बैठ चलो हो गया बस अब जो है वो है। 2021 है वो, ये 1990 1970 1965 मतलब दुनिया 62 वाला दौर नहीं है भाई। जर्मनी फ्रांस के साथ दुश्मन थे एक दूसरे के, इतने सख्त दुश्मन थे कैसे दोस्त। वर्ल्ड वॉर मिलियंस ऑफ लोग उनके मरे थे। उन्होंने उन चीज का भी घंटा उन्हें फर्क नहीं पड़ा। बॉर्डर खुले में ऐसे जा रहे हैं लोग, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, दोस्ती फिर से हो गई है।
हर फोरम पे एक दूसरे का मतलब हाँ, दिमाग ही कर रहे हैं, मतलब साथ नेटो बना हुआ है, नेटो बना हुआ है, यूरोप है, यूरो हाँ, मतलब वो हालांकि यूरोपियन यूनियन, हालांकि वर्ल्ड वार इन्हीं लोग इन्हीं हाँ, की वजह से हुई है, इन्हीं की वजह से कितने लोग मरे, लेकिन हम आज भी वो लोग इन चीजों को छोड़ देते हैं तब भी वो लोग इतनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, मतलब डेवलप्ड हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं, बिल्कुल हम लोग उन चीजों को छोटी छोटी चीजों को पकड़ के रखी रखे हैं। तो बस ये वाली जब मेंटालिटी चेंज हो गई उस दिन मैं कहता हूँ हर चीज ऐसे पक्के दोस्त बनेंगे ये कंट्रीज जहाँ पे दुश्मनी, यार दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी लोग समझते हैं दुश्मनी नहीं है। एक बात, ज्यादातर आपको दुश्मनी कौन सी कंट्रीज में मिलेगी जो डेवलपिंग है, डेवलपिंग है मतलब जिस तरह जो डेवलप कर रही है, बताऊं दूसरे हाँ, दूसरे देश और दूसरे भी फायदा उठाते हैं, दूसरे देश फायदा हाँ, उठाते हैं। और इन भाई ने जो ऑसम बातें बोली हैं, ये वीडियो यार सीरियसली इतनी ऑसम इन्होंने बनाई है, जितनी तारीफ करो इस चीज की। यार दूसरी बात ये कि जितना मर्जी आप एक दूसरे से नफरत करो, लेकिन पाकिस्तान पे कोई मुश्किल आती हाँ। है या इंडिया पे मुश्किल आती है, चाहे गवर्नमेंट रस्मी तौर पर एक हाँ। दूसरे का मतलब अगर कह दें हाँ। कि हम आपके साथ, लेकिन साथ देती है, लेकिन अवाम जो है ना वो मैंने ये भी देखा है, मैंने ये भी देखा है जब इंडिया पे मुसीबत आई तो पाकिस्तान वालों ने काफी मतलब अफसोस किया और साथ भी दिया तो सोशल भी का दौर है, और पाकिस्तान में मुसीबत आई तो इंडिया ने भी किया, और यहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के और इंडिया के वो भी एक दूसरे के लिए ट्वीट्स करते हैं, ट्वीट्स करते हैं हाँ। लेकिन ये मेन चीज है, जब इस जगह पर आते हैं ना तो जब भी कोई ऐसा मौका आता है जब इकट्ठे होने की तरफ सारे आते हैं, बाहर की ताकतें जो है ना इसमें फायदा ले जाते हैं और इसी वजह से फिर हम अलग हो जाते हैं, हमेशा यही होते आ रहा है, हमें ये चीजें। और जियोग्राफी यार दोनों कंट्रीज बहुत कमाल की हैं, इसमें कोई शक नहीं है हाँ, हर कोई अपने लिहाज से देखो हाँ, और बहुत ही औसम है। और ये वीडियो यार देखकर बहुत ज्यादा मजा आया गाइस, आप लोग बताएं आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।